हेलो सर, तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? सर, आज हम जुदातोली की ट्रैकिंग में हैं। जी सर। और कोदियापगड़ के बारे में हमने सुना होगा। जी सर। जी, वहाँ तक का लक्ष्य आज रखा हुआ है। जी बिल्कुल, पूरी टीम के साथ। बिल्कुल। और ये एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल एक वीडियो है, ताकि गढ़वाल के इतिहास का इतने महानतम योद्धा नायक हमारे वीरचंद सिंह गढ़वाली, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि गढ़वालियों की पहचान क्या है, उनकी ईमानदारी, सच्चाई और साहस का एक परिचय है वीरचंद सिंह गढ़वाली जी। और ज़्यादातर टूरिस्ट को ये पता नहीं होता कि उत्तराखंड में एक ऐसा जगह भी है जिन्होंने मंगल पांडे के जैसे, जो हमारी ब्रिटिश सेना थी, जो उनके गलत रूल थे उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई, और यहाँ पे उनकी समाधि है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। आज हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे पूरे मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, तो उन सब से उनकी राय लेते हैं। हाँ सर। और डियर फ्रेंड्स, हमारे जो एक्सपीडिशन के मेंबर्स हैं वो सारे पहुंच चुके हैं। ये है आर एस टी की सर, ये है मिस्टर काला जी, है बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त है। ये है हमारे नेगी जी। हाँ हाँ, पहुँच गया सर, आ गया। मतलब एक डेढ़ घंटे का। हाँ, ये गांव वो लोग दो तीन पहुँचे यहाँ पे। सर, यहाँ पे छोटे छोटे कुछ है वहाँ पे। ये देखिए वो भी जी, मैच खेलो ठीक छो। हाँ यार, यहाँ पे यार तू यहाँ बैठ बोल। इस गांव का नाम क्या है सर? खिमतोली। खिमतोली। अच्छा, ये है खिमतोली गांव। तीन घंटे पर हम तुम्हें तो खेला वास्ता नहीं कितने यार, हम तुम्हारा रजो चाकू और इसको उतार दूँ मैं। अच्छा, गेट सर सामने ना? हाँ सर, वो सामने। ये सर सलीनार बैंड है, इधर गेट सर है। अच्छा, ये गेट सर क्या, ये सामने आपका गेट सर हो गया। ये त्रिशूल पर्वत है ना? ये नहीं है त्रिशूली। हाँ, ये त्रिशूली है। ये त्रिशूल पर्वत है और देवाल से और हमारे घर से। हाँ, यानी कि यहाँ से आगे आपका ये कुमाऊं वाला रीजन दिखने बैठ गया है ना? ये हमारे घर है। हाँ, ये वाले दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या है ना, अब दिन के बाद सूर्य इधर को आएगा तब दिखेगा सर। अभी धुंध है, टाइट करना, टाइट ढीला, टाइट अब नहीं, बस इतना टाइट हो गया, इतना ही हुआ, ये लो इतना ही हुआ, बस ढीला खोल के लो तो ना, इसको नहीं, इसको नहीं। हाँ, इसको टाइट नहीं, फ्रेंड्स आइए। ठीक है, उठाओ आना ना करो उसको ना। कैसा ले आएंगे इसको? कुकर हाथ में कौन कौन सफर ले लेंगे? अलग अलग करिए ना। भाई
एक खड़ी चढ़ाई ना भयंकर वाली, सीधे छाती असल जैसे ट्रक चढ़ा हुआ छाती पे, पता वो क्या कर रहा है चढ़ाई है ना, हाँ। पीसी खींच दे रहा है, सांस नहीं ली जा रही है इस वजह से। मेरे पास रुको, कहां से जाना है? चलो आगे से देख लेंगे। ये है हमारे क्रू मेंबर सर, वहाँ पे दो थे नहीं रखे सर, मैंने पर समझ गया, मैंने पर समझ छोड़ा सर, इतना भाई का रखा ये बाबा भाई, सीधा आने को फंसाने की बहुत साजिश थी ये, इधर आया भाई से मुल्क का बोलते हैं मैंने ऊपर से अब तो हल्का होगा, कहाँ हल्का, अभी इसका 15 किलो है। और ये हमारे टीम मेंबर से पहुंच चुके हैं, क्या जिस तरह से ये घाटियों का निर्माण यहाँ हो रहा है, अच्छा मक्कू यही है, मक्कू सफेद वाला है ना, का ये वो दूसरा वाला हरा वाला, इसी में वो सब लोग लाए हैं। ये है डियर फ्रेंड्स, ये है दोस्तों, यहाँ पानी वाले एक एक तरह का ये परजीवी घास होती है जिसको यहाँ पे मक्कू बोलते हैं, और ये यहाँ पे आय का एक बहुत अच्छा साधन है, और ये उगती है जो हाई एल्टीट्यूड वाले प्लांट्स होते हैं उनके छाल पे एक घास उग जाती है, और हाँ और ये उगता है, ये बहुत अच्छा एक मीडियम है वाटर कंजर्वेशन का, ये पानी को सोख करके रखता है, और यही रीजन होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं, ये एक नेचुरल एसी का काम करता है, क्योंकि इनमें पानी मॉइस्चर जमा होता है और हवा चलती है तो पूरा एक एसी की तरह काम करता है, तो ये रीजन है हिमालयन एसी, इसको हम बोल सकते हैं हिमालयन एसी। अरे मुझको भी दो यार, और यहाँ पे ऑरेंज है, अभी हम खा रहे संतरा। जब भी आप ऐसे ट्रैकिंग पाए तो अपने साथ जो एनर्जी के सोर्स है वो पक्का रखें, और जितने ज्यादा हो सके आप ऑरेंज लेके आए, क्योंकि इसमें तो विटामिन सी होता है, दूसरा इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जूस होता है जो कि आपके मुंह को सूखने नहीं देता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और द क्रिएटिव टीचर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स अभी हमारे काफ़ी एपिसोड्स में बाकी हैं क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी थी, एक 8 किलोमीटर की लंबी जर्नी थी, और इसको एक वीडियो में नहीं लाया जा सकता है, तो इसके बहुत सारे 6-7 पार्ट इसके आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सब पार्ट को देखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।